नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ अजीत। अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन पर फिर निशाना साधा है। 28 मई को इंडिया गेट पर होने वाले मोदी सरकार के कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन के शामिल होने पर उन्होंने सवाल उठाए। अमर सिंह ने तंज कसा कि जब केंद्र सरकार अमिताभ बच्चन को अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए चुन सकती है तो फिर उन्हें अतुल्य भारत का ब्रांड एम्बेसडर भी बना देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने खुद को एसपी की टिकट से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने के लिए मुलायम सिंह यादव का आभार जताया। अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी में बुजुर्गों की भूमिका समेत कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। उनसे बात की इंडिया 24/7 रिपोर्टर अवनीश विद्यार्थी ने। हमारे साथ वरिष्ठ नेता अमर सिंह जी हैं। सर, एक बार फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा का सफर, पहली प्रतिक्रिया क्या है इसको? राज्यसभा में मनोनयन से बड़ी बात यह कि जिस प्रकार, जिस प्रेम स्नेह और आशीर्वाद से और बिना मेरे अपेक्षा के जो बिन बादल बरसात हुई है मुलायम सिंह जी के स्नेह की, आशीर्वाद की, वह मेरे लिए ज़्यादा उत्साहवर्धक है राज्यसभा के नामांकन की अपेक्षा। आखिर किस भूमिका में हम लोग देखेंगे? अब आप राज्यसभा जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर, और भी आगे भूमिकाएं होंगी पार्टी की, जिम्मेदारी और तमाम चीज़ें, अगर पार्टी में आप आते हैं तो? इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं, इसका मुझे कोई भाष नहीं। पार्टी की कमान पीढ़ी बदल चुकी है, युवा कमान है, युवा टीम है। हम अपने आशीर्वाद और स्नेह के साथ खड़े हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो अपना आशीर्वाद, स्नेह और सहयोग देंगे, सलाह देंगे, और आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो भी हम घर के किसी कोने की खाट पर खांसते हुए बुड्ढे की तरह हैं, जो अपनी खांसी की ठंडन से अपने होने का एहसास जरूर कराता है, कोई उसे पूछे या ना पूछे। अमिताभ बच्चन की छवि को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे हाल के दिनों में। कुछ मामलों में भी उनका नाम सामने आया था, कुछ पुराने मामलों की भी बात सामने आई थी। आपको किस तरीके से लगता है अमिताभ बच्चन की ये भूमिका किसी सरकार की उपलब्धियां बताने में उनके खिलाफ जो जांचें चल रही हैं उनको भी प्रभावित कर सकती हैं? देखिए, अमित जी प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, सचमुच में कला को आकार देने में उनसे माहिर कौन है। हमारे इस उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी के लिए उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश मेहदम, क्योंकि जुर्म है यहाँ कम, और अब वो कहेंगे कि नमो 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 नमो। तो ये तो हर फिल्म की स्क्रिप्ट अलग होती है, लेकिन पिछले दिनों श्री अमिताभ बच्चन ने एक बयान दिया कि अमर सिंह जी हमारे मित्र हैं, उनको मेरे बारे में कुछ भी कहने का अधिकार है और उसको सुनना मेरा कर्तव्य है। इस बयान के बाद मेरा कुछ बोलना सोभनीय नहीं लगता। ऐसा नहीं कि मैं डर गया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं, मेरे विचार नहीं है। भाई नरेंद्र मोदी जी से तो मैं इतना अनुरोध करूँगा कि अगर इस समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं तो अतुल्य ने भारत का एम्बेसडर भी बना देना चाहिए, फिर सयाम वह कोतवाल अब डर काहे का। ये थे अमर सिंह जी, जो अपने ही, जो उनकी विधा है उस अंदाज में ही एक बार फिर दिखाई पड़े। और जिस तरीके से राज्यसभा के लिए उन्होंने नामांकन किया है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में हलचलें इस बात को लेकर के बेहद बड़ी हुई, और अब एक नई भूमिका में अमर सिंह जी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में दिखाई पड़ेंगे। मनोज मिश्रा तथा अवनीश विद्यार्थी, लखनऊ, इंडिया 24/7। तो अमिताभ बच्चन को लेकर इस तरह के सवाल क्यों खड़े हुए ये बताते हैं आपको। इससे पहले कांग्रेस भी 28 मई को मोदी सरकार के कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन के हिस्सा लेने पर सवाल उठा चुकी है। कांग्रेस ने अमिताभ बच्चन पर लगे आरोपों को लेकर सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने पूछा है कि करप्शन के आरोपों से घिरे अमिताभ बच्चन को कार्यक्रम का हिस्सा बनाकर सरकार जांच एजेंसियों को क्या संदेश देना चाहती है। बता दें कि अमिताभ बच्चन का नाम पनामा लीक्स में आया था और उन पर टैक्स हेवन देशों में अवैध तरीके से पैसे जमा कराने का आरोप है। When a person accused of the same is seen lording over or hosting or organizing or prime minister under his leadership attending a program to celebrate 2 years of Modi government, does it not also send a signal to the investigation agencies not to proceed against those who are under suspicion for
having stashed black money abroad in income tax in foreign bank accounts abroad. और उधर अमिताभ बच्चन के बेटे और बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन का यह कहना है कि उनके पिता किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं बल्कि लड़कियों की शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। How do you see a celebrity hosting a political event? He's not hosting any political event. It was, you know, coming in the newspapers and the news that he's going to host. He's part of a function where he's talking about educating the girl child. That's not a political event. आपको बताएं पिछले कुछ दिनों में अमिताभ विवादों में रहे हैं। अमिताभ को 15 साल पुराने इनकम टैक्स केस में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अमिताभ की आय का आकलन करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई थी। अमिताभ को 2001 में कौन बनेगा करोड़पति शो में टैक्स पर छूट दी गई थी। पनामा पेपर्स लीक में भी अमिताभ बच्चन और उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम आया था।